वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गुड आफ्टरनून एंड मैं उठी हूँ 12:30 बजे। फिर उठने के बाद मैं अपने दोस्त के घर ही थी जो मैंने कल शॉपिंग किया है, तो वो सब लाने के लिए गई थी, तो अभी लेके आई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँ। एंड वैसे भी मम्मी ने जो भी साड़ी वगैरह शॉपिंग किया था वो उन्होंने भी मुझे शेयर किया था, तो मुझे लगा कि नहीं एक साथ आपको शेयर करती हूँ कि मम्मी ने क्या ख़रीदा है एंड यहाँ पर मैंने गरियाहाट में क्या क्या ख़रीदा है। तो ओवरऑल मैं आज दिखाऊंगी कि मेरा शॉपिंग हॉल एंड आई होप यू विल लाइक इट। सो स्टे टिल द एंड, बाय। ओवरऑल मैंने कल 2 ब्लाउज़ लिया है, ये वाला मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने श्री लेदर से जूता लिया है, जूता नहीं आई मीन हील्स लिया है मेरे लिए। तो मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, एक हाथ से मेरा हो नहीं रहा है फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ये है मेरा हील्स, ये मुझे ब्लैक हील्स बहुत दिनों से लेना था एक्चुअली, क्योंकि कभी मैं जीन्स वगैरह पहनती हूँ ना तो ब्लैक हील्स इज़ सूटेबल, तो मुझे बहुत दिनों से चाहिए था लेकिन मेरा ही साइज़ में नहीं था, लेकिन मुझे ये पसंद आया कि नहीं ले लेती हूँ। एंड 9 नंबर का है, तो फिर 9 नंबर का है लेकिन फिर भी मैं ली क्योंकि थोड़ा होगा बड़ा पीछे से होगा, कोई बात नहीं। तो वाला ये वाला लिया मैंने, इसमें ये थोड़ा सा डिज़ाइन है। ये वाला जब मम्मी को मैंने शेयर किया था उनका रिएक्शन, मतलब क्या बोल, मम्मी ने बोला कि इतना बड़ा हील्स लिया है तुम पूजा में घूम तो सकती हो ना ये पहन के, गिरोगी तो नहीं ना। तो मुझे हील्स का कलेक्शन या फिर पहनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने केयर नहीं किया कि मैं पहन सकती हूँ नहीं, चल सकती हूँ कि नहीं, इसे मैंने ले ही लिया। मेरा हील्स हो गया एंड अभी मैंने बस ये 2 ब्लाउज ही लिए हैं। मम्मी ने मुझे कहा था बहुत दिनों से कि तुम लोग साइड हो जाओ बाद में बात करते हैं, कि ब्लाउज़ लेना है ब्लाउज़ लेना है। तो मम्मी को ये डिज़ाइन का ब्लाउज़ बहुत पसंद है, दुर्गा वाला। इससे मुझे बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिले थे, लेकिन ब्राउन मिला था, वाइट मिला था, लेकिन मुझे रेड बहुत पसंद आया तो इसीलिए मैंने ये लिया। इसमें हाथ में भी वर्क है। क्वालिटी का अगर बोलूँ तो मुझे क्वालिटी थोड़ा इतना अच्छा नहीं बोलूँगी, ठीक ठाक ही है। फ्रंट में कोई डिज़ाइन नहीं है क्योंकि फ्रंट तो ढक जाता है साड़ी से, ऐसा है। और मैंने ये हाकोबा का घोटी हाथा लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पता मैंने रील्स वगैरह में देखा है लोग पहनते, तो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने लिया है ये वाला डिज़ाइन हाथ में। ये तो बहुत स्टिच होगा ऐसे, यहाँ हैंड की जगह यहाँ पे फुला हो रहता है ना, वही घोटी हाथा है। ये इसका पीठ है, इसमें पीछे रिबन्स हैं ऐसे, पीछे हुक्स हैं और सामने इस साइड का, इसमें थोड़ा सा कूची है सामने इधर से लेके और सामने कप से इसमें। ये हाकोबा घोटी हाथा ब्लाउज है। बस मेरे तरफ से मैंने इतना ही शॉपिंग किया है एंड रेस्ट फ्रॉम मामा साइड। तो मम्मी जब साड़ी लेने गई थी तो मैंने आपको शेयर किया था, जस्ट अ शॉर्ट क्लिप शेयर किया था आपसे, अच्छे से शेयर नहीं किया था, लेकिन मम्मी लेके आके आज आपको दिखा रही है केक, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा एंड आप देखते रहिए। तो ओवरऑल मम्मी ने इस बार 5 साड़ी लिया है एंड मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ।
तो ये आप देख सकते हो एक ढाकाई है एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये रेड है, रेड एकदम नहीं है, ये है डीप पिंक कलर का एंड उसमें जो फ्लावर्स हैं ये पैरेट ग्रीन का और गोल्डन का काम है इसमें। यह है दूसरा ढाकाई, यह है वाइट कलर का ढाकाई, इसमें है ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू एंड काइंड ऑफ येलो कलर का काम है इसमें, आप देख सकते हो, आप देखते रहिए। तो पूरे साड़ी में ऐसा ही डिज़ाइन है, बस आंचल इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं दिखाती हूँ आंचल। एंड ये आप देख सकते हो एक रेड कलर का साड़ी, इसका नाम नहीं मालूम मुझे लेकिन इसका जरी वर्क देख के ना मुझे लग रहा है कि ये कांजीवरम स्टाइल है, तो आई डोंट नो ये कांजीवरम है कि नहीं लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कांजीवरम जैसा ही है। एंड कुछ दिनों में ना मेरे भैया का शादी है तो मम्मी ने उसके लिए भी शॉपिंग कर लिया है, ये वाला साड़ी आई थिंक मम्मी शादी में ही पहनेगी तो इसलिए मम्मी ने लिया है। यह है फोर्थ साड़ी, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा कलर मम्मी ने कभी नहीं पहना तो मैंने ही फोर्स किया था कि मम्मी ये वाला साड़ी लो एंड ये वाला कलर कर लो, तो क्योंकि ये डीप कलर है ना तो मम्मी पे भी अच्छा लगेगा तो मैंने बोला कि मम्मी ये वाला लो एंड इसका कलर बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। इसका बॉडी पे ना ऐसे ही गोल्डन जरी का काम है, आप देख सकते हो। तो इस साड़ी के साथ ब्लाउज़ पीस भी है, मैं दिखाती हूँ, लेकिन ये ना अभी नहीं बन पाया क्योंकि सब अभी टेलर्स बिज़ी हो गए हैं, अभी ब्लाउज़ नहीं बन रहा है तो बाद में इसको बनाएंगे। ये वाला सबसे फेवरेट साड़ी है मेरा एंड मैं सोच रही हूँ इसको अष्टमी में पहनूँ एंड पिंक कलर का मेरे को बहुत दिनों से मन था पहनने को, तो इसका साथ भी ब्लाउज़ पीस है लेकिन इसका भी बाद में बनाएंगे ब्लाउज़। तो आप इसका आंचल देख पा रहे होगे कि इतना सुंदर है, जरी वर्क है पूरा, ऑरेंज भी है इसमें थोड़ा थोड़ा सा एंड इसका बॉडी आप देख सकते हो बीच बीच में ऑरेंज एंड सिल्वर का वर्क है। सो आज का शॉपिंग हॉल आपको पसंद आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आपको कौन सी साड़ी पसंद आया एंड यहाँ पे तो आसपास गाना वाना बजना शुरू हो गया है, लाइक पूजा पूजा कौन दो आश्चे एकदम अच्छा लग रहा है, पूजा वाइब्स चारों तरफ है। ऑब्वियसली मैं कोलकाता में हूँ तो लाइक कल महालय है तो कल से ही मतलब जश्न शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं आपसे वो भी धीरे धीरे शेयर करते रहूँगी। स्टे ट्यून एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना। सो बाय बाय, गुड नाइट।